नमस्कार दोस्तों, करंट नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम 8 फरवरी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF फाइल मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2019 एशिया LPG शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ए नई दिल्ली में, बी महाराष्ट्र में, सी हरियाणा में। इसका सही आंसर है ए नई दिल्ली में। हाल ही में दरवाज़ा बंद भाग 2 अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? ए स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण द्वारा, बी स्वच्छ भारत मिशन द्वारा। इसका सही आंसर है ए स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण द्वारा शुरू किया गया दरवाज़ा बंद भाग 2 अभियान देश भर के गांवों को खुले में शौच मुक्त स्थिति बनाए रखने पर केंद्रित है। इससे पहले दरवाज़ा बंद अभियान 2017 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ध्यान रखिएगा क्या है? गाँव को खुले में शौच मुक्त स्थिति बनाए रखने के लिए दरवाज़ा बंद भाग 2 अभियान शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में नाटो में शामिल होने के लिए कौन से देश ने हस्ताक्षर किए हैं? मैसिडोनिया ने, ए मैसिडोनिया, बी नेपाल, सी भूटान। इसका सही आंसर है ए मैसिडोनिया ने हस्ताक्षर किए हैं नाटो में शामिल होने के लिए। मैसिडोनिया की राजधानी क्या है? स्कोपजे है और इसकी मुद्रा क्या है? मैसिडोनियन डेनर है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में IBA द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के कितने रुपए तक के शुल्क को माफ़ करने के निर्देश जारी किए गए हैं? ए 3 लाख, बी 2 लाख या सी 5 लाख। इसका सही आंसर है ए 3 लाख। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में महिला T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक कौन से खिलाड़ी ने बनाया है? ए मिताली राज ने, बी स्मृति मंधाना ने। इसका सही आंसर है बी स्मृति मंधाना ने। इसका इम्पोर्टेंट क्या है? न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन ने महिलाओं की T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया है। सबसे तेज अर्धशतक वर्ल्ड में किसने बनाया? सोफी डिवाइन ने महिला में। उन्होंने 2005 में भारत के खिलाफ 18 गेंदों में अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया था। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे SBI UK के प्रमुख को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन से सम्मानित किया गया? ए रजनीश कुमार, बी संजीव चड्ढा। इसका सही आंसर है संजीव चड्ढा को। इसके इम्पोर्टेंट क्या है? SBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अध्यक्ष इसके कौन है? श्री रजनीश कुमार। इसके अध्यक्ष हैं श्री रजनीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सिविल एविएशन सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? ए प्रदीप सिंह खारोला को, बी संजीव चड्ढा को या सी रजनीश कुमार को। इसका सही आंसर है प्रदीप सिंह खारोला को। संजीव चड्ढा UK के प्रमुख बने हैं SBI के, और रजनीश कुमार SBI के अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फिनो पेमेंट्स बैंक ने किसके साथ साझेदारी कर एक स्वीप अकाउंट सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? ए इसका सही आंसर है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। फिनो पेमेंट्स बैंक पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसके MD और CEO कौन है? ऋषि गुप्ता है। MD और CEO कौन है? ऋषि गुप्ता। पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है। सूर्योदय लघु वित्त बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नवी मुंबई में है। इसके CEO MD कौन है? R भास्कर बाबू हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अर्जेंटीना गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए दिनेश भाटिया को, बी संजीव चड्ढा को या सी प्रदीप सिंह खरोला को। इसका सही आंसर है दिनेश भाटिया को।
अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। और इसकी मुद्रा क्या है? अर्जेंटीना पेसो है इसकी मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सिएटल ओपन किसने जीता है? रामित टंडन ने। इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं? भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी रामित टंडन ने फाइनल में सिएटल ओपन 1 PSA चैलेंजर स्क्वैश टूर प्रतियोगिता जीतकर मिस्र के मोहम्मद अल शेरवानी को हराया। इन्होंने किसको हराया? मोहम्मद अल शेरवानी को हराया है। और सिएटल कप किससे संबंधित है? स्क्वैश स्क्वैश से संबंधित है। और रामित टंडन कौन से खिलाड़ी हैं? स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। ये फरवरी की सूची में 98वें स्थान की सबसे उच्च रैंकिंग हासिल करके शीर्ष स्थान पर रहने वाले भारतीय हैं, जिन्होंने नए साल में अपना पहला PSA खिताब और अपने करियर का चौथा खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में इसरो ने GSAT-31 को कहाँ से लॉन्च किया है? फ्रेंच गयाना से। कहाँ से लॉन्च किया? फ्रेंच गयाना से लॉन्च किया है। ये कौन सा था? भारत का 40वां संचार उपग्रह GSAT-31 40वां है ये। और कौन सा है? GSAT-31 फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। एरियन 5 रॉकेट को कौरू लॉन्च बेस से छोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कौन सी मराठी अभिनेता का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है रमेश भटकर का, जो सत्तर वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसकी आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से इसको पढ़ लें। नमस्कार दोस्तों।